गुरु नानक जयंती पर आज घरेलू शेयर बाजार बंद, एशियाई सूचकांकों में दिखी बढ़त। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव की जयंती के उपलक्ष में प्रकाश पर्व के मौके पर शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार बंद रहेंगे। यह अवसर भारत और दुनिया भर में सिख समुदाय की ओर से व्यापक रूप से मनाया जाता है। ये पर्व गुरु नानक देव की शिक्षाओं और विरासत की याद दिलाता है, जिन्होंने समानता, करुणा और मानवता की सेवा का संदेश दिया। छुट्टी के कारण बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE और मुद्रा व कमोडिटी बाजारों सहित अन्य प्रमुख वित्तीय बाजार पूरे दिन इक्विटी और डेरिवेटिव ट्रेडिंग दोनों के लिए बंद रहेंगे। सोमवार 18 नवंबर को बाजार अपने नियमित समय पर खुलेगा। शुक्रवार को अन्य एशियाई बाजारों में जापान के निक्केई सूचकांक में 0.8% की वृद्धि हुई, जबकि हांगकांग के हैंगसिंग सूचकांक में 0.54% की वृद्धि हुई। साथ ही ताइवान के भारत सूचकांक में भी 0.5% की वृद्धि हुई। हालांकि इस रिपोर्ट को दाखिल करने के समय दक्षिण कोरिया के कोस्पी सूचकांक में 0.4% की गिरावट आई। ब्रेंट क्रूड फिलहाल $72.13 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है। गुरुवार को भारतीय बेंचमार्क शेयर सूचकांक लगातार छठे दिन गिरकर कई महीनों के निचले स्तर पर पहुंच गया। सेंसेक्स 110.64 अंक या 0.14% की गिरावट के साथ 77,580.31 अंक पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 26.35 अंक या 0.11% की गिरावट के साथ 23,532.70 अंक पर बंद हुआ। क्षेत्रीय सूचकांकों में मिले जुले रुझान दिखे। निफ्टी बैंक, ऑटो और मीडिया हरे निशान पर रहे, जबकि FMCG, फार्मा और PSU बैंक लाल निशान पर रहे। सूचकांकों की लगातार गिरावट कई कारकों के कारण है, जिसमें दूसरी तिमाही के परिणामों में कंपनियों की अपेक्षाकृत कमाई, निरंतर विदेशी फंड का बहिर्भाव और बढ़ती घरेलू मुद्रा स्फीति, खुदरा और थोक दोनों शामिल हैं। गुरुवार को अमेरिकी बाजारों में S&P 500 और NASDAQ दोनों सूचकांक गिरावट के साथ बंद हुए। S&P 500 0.6% की गिरावट के साथ बंद हुआ, जबकि NASDAQ 0.69% की गिरावट के साथ बंद हुआ।